हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ अगेन वी आर हियर। आई एम टेलिंग यू टुडे द ज्योग्राफी फोर्थ चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एज वी नो दैट वी हैव सीन एंड मैनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। दिवाली के ओकेजन में हरीश वेंट टू मार्केट। हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया। दे परचेज शूज, उन्होंने जूते खरीदे और कपड़े खरीदे अपने लिए। हिज माधव परचेज यूटेंसिल, की मम्मी ने बर्तन खरीदे, शुगर टी एंड दिया, अर्थन लैम्प जिसे बोलते हैं, मिट्टी के दिए। हरीश ऑब्जर्व दैट शॉप्स इन द मार्केट वर फ्लडेड विद आइटम फॉर सेल। जो शॉप्स थी दुकानों में फ्लडेड यानी बाढ़ जैसी आ गई, बिल्कुल बाजारों में सामान भरा पड़ा था बिकने के लिए। ही वंडर्ड हाउ सो मेनी आइटम्स कुड बी मेड इन सच लार्ज क्वांटिटी। वो ये जानकर आश्चर्य था देखकर कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल हैं, यानी कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर किया जाता होगा लार्ज क्वांटिटी में। इस फादर एक्सप्लेन दैट शूज क्लोथ शुगर एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में मशीनों के द्वारा इनका मैन्युफैक्चर किया जाता है। सम यूटेंसिल आर मैन्युफैक्चर्ड, कुछ बर्तन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं छोटी इंडस्ट्री में। वाइल आइटम्स जैसे दिया और अदर इंडिविजुअली आर्टिशियंस होते हैं इसके लिए, जो छोटे घरों में कॉटेज इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर हम देखें इन लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शंस का गुड्स, जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन किया जाता है ज़्यादा मात्रा में। आफ्टर प्रोसेसिंग करने के बाद जो रॉ मटेरियल्स हैं टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। रॉ मटेरियल्स से कॉटन है, कॉटन के अगर हमने क्लोथ बना दी तो वो और ज़्यादा वैल्यूएबल गुड्स माना जाएगा। शुगर केन की हमने अगर चीनी बना दी या जैगरी बना दी वो ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाएगा। मस्टर्ड का हमने ऑयल बना दिया वो ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाएगा। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, क्या आप जानते हैं जो पेपर है वो वुड के द्वारा शुगर के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। और शुगर फ्रॉम शुगर केन, और जो शुगर है वो शुगर केन के द्वारा, आयरन एंड स्टील आयरन के द्वारा और एल्युमिनियम बॉक्साइड के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। डू यू ऑल्सो नो द सम टाइप ऑफ क्लोथ, क्या आप जानते हैं जो किस प्रकार के कपड़े होते हैं आर मैन्युफैक्चर्ड, ये भी फ्रॉम यार्न से मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। विच इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यार्न भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उससे फिर हम क्लोथ बनाए जाते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी, लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेकेंडरी एक्टिविटीज भी बोलते हैं। प्राइमरी मटेरियल्स को जो फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। वर्कर्स जो होते हैं एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्री, कार, ब्रीवेरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज में काम करते हैं लोग। इस कैटेगरी में आते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन से आते हैं, स्टील फैक्ट्री, कार, ब्रीवेरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरी जहाँ ब्रेड वगैरह बनते हैं, बिस्किट्स वगैरह। फॉल इन द कैटेगरी सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कुछ पीपल इसमें एम्प्लॉयड होते हैं जो ये सेवाएं दे रहे होते हैं। इन दिस चैप्टर में हम वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में हम कंसर्न करेंगे जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री, अगर हम आर्थिक शक्ति की बात करें किससे मेजर की जाती है, जिस देश में जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वो देश इकोनॉमिकली उतना डेवलप्ड माना जाता है, इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग माना जाता है। ऐसे ही अगर हम इम्पोर्टेंस देखें मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बैकबोन माना जाता है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन जनरल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलरली मेनली बिकॉज, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें देश का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना केवल एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करते हैं यानी नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, मॉडर्न टूल्स का यूज करते हैं जो एक देश के लिए बैकबोन का काम करता है। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाई प्रोवाइडिंग दैम जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, बल्कि जो लोग हैं जो हैवी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर में उनकी जो
डिपेंडेंसी है ज़्यादा एग्रीकल्चर पर, उसको भी रिड्यूस करता है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन सेकेंड। और इसके अलावा उस सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है। डिपेंडेंसी भी घटाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी मशीन्स आने से जो खेतों में काम है वो तीव्र गति से होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशंस फॉर इरेडिक्शंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्री का जो विकास है, जो कंडीशंस हम देखते हैं, इससे क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी देश से कम होती है, कमी होती है, इरेडिक्शंस होता है। दिस वॉज द मेन फिलॉसफी, एक मेन फिलॉसफी है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में और जॉइंट सेक्टर वेंटर्स जो भारत में काम करते हैं, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल जो ओनर है वो मिलके जो काम करते हैं वो जॉइंट वेक्टर इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पेरिटीज, भी होती हैं क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती हैं, जैसे किसी एरिया में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, किसी एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता है, मिनरल्स होते हैं तो, और किसी जगह पर स्किल्ड लेबर नहीं होते हैं, तो रीजनल डिस्पेरिटीज हम देखते हैं। इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री को अगर हम वहाँ पर इस्टेब्लिश करें किसी एरिया में ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में, तो वहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है। अगला, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो कुछ हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं उसका हम एक्सपोर्ट करें और ट्रेड को एक्सपेंड करें, व्यापार को बढ़ाएं, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीड। और इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ट्रेड को बढ़ाएंगे, हम अगर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी मिलेगी। कंट्री डेट ट्रांसफॉर्म दियर रॉ मटेरियल, वो कंट्री जो अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म बदलता है वाइडर वेराइटी ऑफ फर्निश्ड गुड में, सुसज्जित सामान में, हाई वैल्यू होती है इसकी प्रॉस्पेरस, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी, जो इंडिया की संपन्नता है लाइज इन इंक्रीजिंग, वो किस में विद्यमान है, किस में लाइज है, डाइवर्सिफाइंग इन मैन्युफैक्चरिंग, जब यहाँ पर अलग अलग विभिन्न उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप हो और क्विकली जितनी जल्दी हो ज़्यादा प्रोडक्शंस करें। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हम देखते हैं आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जैसे कॉटन है, शुगर केन है, जूट है, मस्टर्ड है, ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड है ये इंडस्ट्रीज। इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट, एक मेजर बूस्ट यानी कि एक मेजर हेल्प जो है एग्रीकल्चर से मिली है बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा होने से एक बैकबोन बना हुआ है देश के लिए। दे डिपेंड ऑन लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंड है और ये अपने प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं, सच है जैसे लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल दियर प्रोडक्ट्स सच एज इरीगेशन पम्प, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन एंड टूल्स एटसेट्रा टू द फार्मर्स। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स के रूप में क्रॉप्स अवेलेबल होते हैं और ये इंडस्ट्रीज किसानों को फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक्स, पीवीसी पाइप, मशीन और टूल्स प्रोवाइड करते हैं। दस डेवलपमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, विकास और प्रतियोगितात्मक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम देखते हैं नॉट ओनली असिस्ट इन एग्रीकल्चर, केवल एग्रीकल्चर में ही नहीं दिखते हमें ये, दियर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट, ना केवल ये प्रोडक्शन करते हैं बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस को, जो प्रोसीजर है प्रोडक्शंस की, उसको काफ़ी इफिशियंट प्रभावशाली बनाते हैं। इन द प्रेजेंट डे में हम देखते हैं द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में जो हमारी इंडस्ट्री है नीड्स टू बी मोर इफिशियंट और कम्पिटिटिव है। सेल्फ सफिशियंसी की अगर हम बात करें, अलोन इज नॉट इनफ, अवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, हमारी जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उत्पादक गुड्स मस्ट बी एट पर क्वालिटी जो है विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट में, इसकी जो क्वालिटी है अच्छी होनी चाहिए, ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट, अगर इफ़ आवर क्वालिटी इज फार गुड
than the other developed world, then only in that condition our country will able to compete with the other international market. मैं हम कंपीट कर पाएंगे जब हमारी क्वालिटी अच्छी है. कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें हमारी इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी के लिए, तो हम देखेंगे ओवर द लास्ट टू डिकेट्स, दो शताब्दियों में हमने देखा जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना हो रहा है स्टैग्नेटेड, उस पर क्या है स्टैग्नेशन है, 17% जीडीपी में योगदान देता है. आउट ऑफ टोटल 25% जो इंडस्ट्रीज है विद इंक्लूड 10% ऑफ, जिसमें से 10% जो है माइनिंग है, क्वेरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी और गैस है, उनका स्थान रहता है 10%. टोटल 27% इंडस्ट्री में से. दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, और ये बहुत ही कम है अगर हम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज अर्थव्यवस्थाओं को देखें उन देशों की, उनके मुकाबले में बहुत कम है. वेयर इट इज 25 to 35, जहाँ 25 से 35 तक है इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन. द ट्रेंड जो ट्रेंड चल रहा है ग्रोथ रेट का इन मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं लास्ट डिकेट्स हैज बिन अराउंड 7% पर एनएमएम रहा था पिछले बार लास्ट डिकेट्स में. देयर डिजायर ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेट इज 12%, तब 12% था. सिंस 2003 से हम देखते आ रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनएम विथ अप्रोप्रिएट पॉलिसी. अगर हम देखें इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यू एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, अगर हम देखें इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड. अगर हम देखें 9 to 10% पर एनम विथ अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, क्या रिन्यू कर सकती एफर्ट्स बाय इंडस्ट्री टू इम्प्रूव, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को फैसिलिटी प्रोवाइड करके एफर्ट्स कर सकते हैं इंडस्ट्री टू इम्प्रूव, ताकि इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करे. इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, वो एक भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं कि आने वाले कुछ समय में जो मैन्युफैक्चरिंग है अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं, एक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज बीन सेट अप, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए NMCC बनाया गया है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल देश में, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करें, ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड हो, गवर्नमेंट इनको क्या कहते हैं फाइनेंशियली इनकी हेल्प करे. इंडस्ट्रियल लोकेशंस की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल लोकेशंस जो है आर कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं प्रकृति में. दे आर दीज आर इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी ऑफ, ये इंडस्ट्रियाँ वहाँ लोकलाइज होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल होता है, मिनरल्स, और जहाँ लेबर होते हैं चीप और स्किल्ड लेबर, जहाँ कैपिटल पावर, जहाँ कैपिटल बैंकिंग फाइनेंस मार्केट होता है, जहाँ वो पावर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है. इट इज़ रेयरली पॉसिबल, रेयरली मुश्किल से संभव देखा जाता है टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर, ये सारे फैक्टर किसी एक जगह पर अवेलेबल हो, जैसे कहीं पर रॉ मटेरियल है हो सकता है वहाँ पर टेक्नोलॉजी ना हो, यहाँ टेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी अगर हमें अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल हो सकता है, वहाँ पर मार्केट अवेलेबल ना हो, या चीप है स्किल्ड लेबर अवेलेबल ना हो, तो बहुत सारी इन सभी फैक्टर्स का किसी एक जगह पर लोकलाइज होना रेयरली देखा जाता है, शायद कहीं पर दिख होते हैं. कॉन्सिक्वेंटली हम देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती हैं टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस, मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस वहाँ पे लोकेट किए जाते हैं जहाँ सबसे उपयुक्त स्थान होता है. पर ऑल द फैक्टर्स, जहाँ ये सभी फैक्टर्स इंडस्ट्रियल लोकेशंस के अवेलेबल होते हैं, कैन बी अरेंज, और यहाँ अरेंज किए जा सकते हैं बहुत ही लोअर कॉस्ट में, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम हो और जिससे उनको एडवांटेज मिले. आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है अर्बनाइजेशन फॉलो, तो अर्बनाइजेशन होता है वहाँ पे. समटाइम इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन नियर द सिटी, कभी कभी इंडस्ट्री शहर के नज़दीक लोकेट होती है, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन औद्योगिकरण और शहरीकरण जो है एक साथ चलते हैं, जहाँ पर उद्योग ज़्यादा होते हैं. गुजरात में आज देखते हैं अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, वहाँ पर पहले पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ा कि लोग वहाँ पर
माइग्रेशन करने लगे, वहाँ बसने लगे और धीरे धीरे अर्बनाइजेशन भी हो गया और इस तरह से वहाँ मार्केट डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियाँ डेवलप हुई वहाँ पे एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज और बहुत सारी सर्विसेज। इसके साथ साथ शहर जैसे डेवलप हुआ वहाँ पर मार्केट डेवलप हुआ और धीरे धीरे वहाँ पर बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, फाइनेंस कराने वाली कंपनी, बैंकिंग सेक्टर्स वहाँ पर इस्टेब्लिश हुए। मैनी जो इंडस्ट्रीज हैं टेंस टू कम टुगेदर, वो एक साथ चलती है एंड मेक यूज ऑफ एडवांटेज गेन करती हैं ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहलाती हैं। ये मिश्रित रूप से जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एगोमुलेशन टेक प्लेस, बहुत सारी औद्योगिक जो एगोमुलेशन है जो एक साथ चलती हैं इकोनॉमीज, इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हम देखते हैं, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वे लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्टेब्लिश हैं। कॉन्सिक्वेंटली दे इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स, कॉन्सिक्वेंटली हम देखते हैं वो किस में इमर्ज समाहित हो गए हैं, इंडस्ट्रियली डेवलप अर्बन सेंटर में सराउंडेड बाई ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल इंटरलैंड्स में। अगर हम यहाँ पर देखें इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज जो है, इनपुट्स हम देख रहे हैं क्या क्या इनपुट है इसमें, इनपुट के रूप में क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसके अंदर क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए नज़दीक में, ताकि जैसे अब रॉ मटेरियल के रूप में अगर गन्ना देखें तो जो शुगर मिल है वो वहीं पर इस्टेब्लिश होती है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, जल्दी से जल्दी कटा हुआ गन्ना मिल शुगर मिल तक पहुँचाया जा सके, अदरवाइज उससे रस बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट जरूरी है, फैक्ट्री नज़दीक होनी चाहिए आउटपुट प्रोडक्ट्स के लिए, मार्केट नियर बाय मार्केट में हम ट्रांसपोर्ट से पहुंचा सके। इन सब के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट चाहिए, इनपुट तो चाहिए चाहिए, इसके साथ लेबर होने चाहिए, लेबर के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, नियर बाय मार्केट होना चाहिए और चीफ एंड स्किल्ड लेबर होने चाहिए हमारे पास, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको हम मार्केट तक पहुंचा सकें। आइडियल जो लोकेशन होती है, सबसे अच्छी स्थिति होती है जो इंडस्ट्री के लिए, वो आपकी होती है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की उस साइट पर हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है साइट पर और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है और डिसीजन टू अ लोकल फैक्ट्री एट साइट, डिसीजन क्या लेती है फैक्ट्री, ये सब आइडियल लोकेशंस मानी जाती है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट और डिसीजन लोकेशन फैक्ट्री की कॉस्ट, कि किसी जगह पर आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो पता चल रहा है जो उसका इस्टेब्लिश करने का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और आपका जो रॉ मटेरियल्स की माइंस हैं वो काफ़ी दूर है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर जो पावर जिसे हम कहते हैं, तो ये ऑल दिस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकलाइज एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन एनी एरिया। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन अगर हम इंडस्ट्री का देखें, आज की डेट में हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज का, वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं डेली लाइफ पे हम देखते हैं, जैसे सच है ट्रांजिस्टर हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हमने देखा, वेजिटेबल ऑयल है, सीमेंट हम यूज करते हैं, ग्लास वेयर है, पेट्रोल है, मैचेज हैं, स्कूटर है, ऑटोमोबाइल्स हैं, मेडिसिन हैं एंड सो ऑन। इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्री, यदि हम ये अलग अलग इंडस्ट्री को क्लासीफाइड करें पर्टिकुलर क्राइटेरिया के आधार पर, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है बेटर इंडस्ट्री में भी क्लासीफाइड एज फ्लो। रॉ मटेरियल के आधार पर जो डिपेंड होती है, जिसे हम एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री यानी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वो आपको पता होनी चाहिए कि वट आर द एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, जैसे इसमें कॉटन आता है, कॉटन है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है जो इंडस्ट्री, वुलन है, सिल्क है, जूट है, टेक्सटाइल्स सिल्क टेक्सटाइल, रबड़ है, रबड़ भी एक एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तभी यहाँ जूट के गनी बैग्स बनाए जाते हैं, जूट के और मैट्स भी बनाए जाते हैं, रबड़ एंड शुगर है,
टी, कॉफी और इडेबल ऑयल, जो खाने वाला तेल है जो हम सब्जियों में वेजिटेबल में यूज करते हैं उसको इडेबल ऑयल बोलते हैं। टी कॉफी भी आपका एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री में आता है। टी कॉफी जूट कॉटन मस्टर्ड, शुगर मस्टर्ड ना बोल के इडेबल ऑयल बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे तेल आ जाते हैं। जैसे सनफ्लावर का है आपका, मस्टर्ड है आपका, ग्राउंडनट है आपका, वो भी इडेबल ऑयल में आता है। मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री आते हैं इसमें, रॉ मटेरियल के आधार पर। मिनरल वेस्ट में आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, एलुमिनियम है, ये भी मिनरल वेस्ट रॉ मटेरियल हैं जो इंडस्ट्री को एक बूस्टर का काम करते हैं। मशीन्स हैं, टूल्स हैं और पेट्रोकेमिकल्स हैं। अकॉर्डिंग टू दियर, अगर मेन रोल की अगर हम बात करें, बेसिक और की इंडस्ट्री जो है वी सप्लाई दियर प्रोडक्ट्स, जो इस सप्लाई को प्रोडक्ट्स करते हैं, प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर करने के लिए अदर गुड्स को रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं। अदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जैसे आयरन एंड स्टील है, कॉपर है, मेल्टिंग है, एल्युमिनियम मेल्टिंग है। कंज्यूमर इंडस्ट्री आती है ऐसे ही रोल के आधार पे देखें तो हम, और कंज्यूमर इंडस्ट्री में जैसे गुड्स वर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है और फैंस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डिफाइंड विद अ रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चाहते हो, मैक्सिमम अलाउंस ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट्स, अपनी एसेट्स को बढ़ाने के लिए। द लिमिट है चेंज्ड, इसकी लिमिट क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम देखते हैं एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज रुपी, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है अलाउड इज रुपी, 1 करोड़ है ज्यादा से ज्यादा। इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़, यदि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है, कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा है एनी इंडस्ट्री देन इट इज नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज्यादा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एली मिनिमम 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर देखिए, 3 प्रकार की होती है ओनरशिप के आधार पर। एक तो होता है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जो किसी गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, जैसे ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2 इंडिया की पब्लिक सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर में चलने वाली इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है। प्राइवेट सेक्टर वो होती हैं इंडस्ट्री ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल के द्वारा, किसी व्यक्तिगत के द्वारा या पार्टनरशिप में या किसी ग्रुप के द्वारा चलाई जाती है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड और डावर इंडस्ट्री, ये प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ओनरशिप के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा। इसी प्रकार से ज्वाइंट सेक्टर भी आते हैं जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, वो ज्वाइंट सेक्टर कहलाते हैं। स्टेट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम करते हैं, जैसे ऑयल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये ज्वाइंटली ओन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा रन किया जाता है। इसी प्रकार से कोऑपरेटिव है, सहकारी संघ, इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर या किसी सप्लायर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, कोऑपरेटिव बोल दीजिए, सहकारी यानी सभी लोगों के सहयोग से, जिसमें रॉ मटेरियल हैं, वर्कर्स हैं, बहुत काम करते हैं। दे पुल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट, वो भी इनका जो प्रॉफिट होता है लॉस होता है प्रोफेशनली, उनमें जितने कॉपरेशन रहता है जिनका वो सब शेयर करते हैं। जैसे एस शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र में कॉपरेटिव सेक्टर, ऐसे दूध का है जैसे आंचल दूध है उत्तराखंड में, वो एक कॉपरेटिव सेक्टर के द्वारा चलाया जाता है, गांव-गांव से एक डेयरी में दूध लाया जाता है और उस दूध के द्वारा जितना प्रॉफिट होता है उनको वो सभी इक्वली बढ़ता है। अगर उनको कोई भी आइदर प्रॉफिट होता है या लॉस घाटा भी होता है तो वो इक्वली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस लॉस के लिए। बेस ऑन द बल्क, बल्क यानी कि बहुत ज़्यादा वेट के आधार पर हम देखें, जो रॉ मटेरियल है फिनिश्ड गुड उनके आधार पर भी हम इंडस्ट्री को क्लासिफाइड करते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज जो है सच एज आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी भारी उद्योग हैं। लाइट इंडस्ट्रीज भी हैं दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल, जैसे लाइट गुड्स, हल्का सामान जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, बिजली का सामान वगैरह।
एग्रोवेज इंडस्ट्री के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पढ़ना चाहेंगे। जो एग्रोवेज इंडस्ट्री हो रही है, जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वुलन है, शुगर है, इडेबल ऑयल है, इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल के आधार पर इस्टेब्लिश होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन, एक अद्भुत यूनिक पोजीशन रखता है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एक इम्पोर्टेंस रखता है। 14% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लगभग 14% इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इतने लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल ही है, सबसे बड़ा एग्रीकल्चर है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में 24.6% इसका अर्निंग है, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 4% ही है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री, यही देश में एक ऐसी इंडस्ट्री है विच इज सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाई स्टेस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। कॉटन टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ा था, अब कॉटन टेक्सटाइल है। एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल वे प्रोड्यूस विद हैंड स्पैनिंग, हाथ से काटने वाले हैंडलूम से वेविंग टेक्निक्स अपनाई जाती थी। कॉटन को हाथ से काटने वाले कपास होते थे, उनसे भी धागा बनाया जाता था। आफ्टर द 18th century जो पावर लूम्स आए यहाँ पर, केम इन टू यूज अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो थी, सफर्ड, उसने बहुत ज़्यादा सफर किया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड में, बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिलमेड क्लोथ। कॉलोनियल पीरियड में जब यहाँ उपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब उन्होंने मिलमेड मिल इस्टेब्लिश करी, और मिलों से जो बना कपड़ा होता था वो जल्दी तैयार होता था और हैंडमेड के मुकाबले में वो सस्ता भी होता था। तो इस वजह से यहाँ पर जो इंडियन हैंडमेड हैंडलूम थे जो थे, उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल जो मिल थी वो मुंबई में 1854 में इस्टेब्लिश हुई थी, याद रखिएगा। जो टू वर्ल्ड वार हुए थे, वेयर फॉट इन यूरोप और इंडिया विद ब्रिटिश कॉलोनी में, देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लोथ इन यूके। यूके में क्लोथ की काफ़ी डिमांड हुई, तो दे गेव ए बूस्ट टू डेवलपमेंट, एक बूस्ट मिला डेवलपमेंट में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया में। टुडे देयर आर नियरली 1600 कॉटन ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल हैं हमारे देश में। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन प्राइवेट सेक्टर, जिसमें 80% तो प्राइवेट सेक्टर की है, जो प्राइवेट किसी इंडिविजुअल की है या किसी ग्रुप वालों की है, एंड रेस्ट इन पब्लिक एंड कॉपरेटिव, और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में और कॉपरेटिव, तीन तरह का आप समझ गए, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है और एक कॉपरेटिव होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्री हैं, जिसमें 4 to 10 लूम्स हैं जिन्हें तैयार किए जाते हैं कॉटन के कपड़े। इन द अर्ली ईयर्स में कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थे वॉज कंसनट्रेटेड इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वहाँ पर कंसनट्रेट थी, कहाँ पर केंद्रित थी वो, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में जहाँ कॉटन होता था, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉयल है और ब्लैक सॉयल में जिसे रेगुर बोलते हैं, काली मिट्टी को उगाया जाता है। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियाँ थी वो इन्हीं दो स्टेटों में लोकलाइज थी, कंसनट्रेट थी। अवेलेबिलिटी, क्योंकि रॉ मटेरियल की वहाँ पर कॉटन आजादी अवेलेबल था, मार्केट नज़दीक था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी, और इंक्लूडिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ पोर्ट, जो पोर्ट है महाराष्ट्र में और गुजरात में, कांडला है, नवारा सेवा महाराष्ट्र में, इन दो पोर्टों से अदर कंट्रीज को आसानी से एक्सपोर्ट किया जाता था। दूसरा, मॉइस्ट क्लाइमेट था, जिस क्लाइमेट में कॉटन आसानी से फ्लोरिश होता है, कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स इन लोकलाइजेशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे कंट्रीब्यूट किया था। इंडस्ट्री एज क्लोज लिंक, और इस इंडस्ट्री का एक क्लोज लिंक था एग्रीकल्चर से, जो क्या करता था, फार्मर्स लिविंग टू फार्मर्स कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर इंगेज, और वर्कर आसानी से गाइनिंग करने में, स्पिनिंग करने में, वेविंग करने में, और डाइंग करने में, और डिजाइनिंग करने में, पैकिंग करने में काफ़ी अवेलेबल थे यहाँ पर, और सिलने में। इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड, इस तरह से इस इंडस्ट्री काफ़ी डिमांड बढ़ी,
कई अदर इंडस्ट्री की सच एज केमिकल और डाइंग है, मिल स्टोर्स है, पैकेजिंग है, मटेरियल्स और इंजीनियरिंग वर्क्स। इंजीनियरिंग का वर्क भी इस तरह से काफी डेवलप हुआ यहाँ पे। वाइल स्पेनिंग जब हम करते हैं, कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, वेविंग इज हाईली सेंट्रलाइज। जो वेविंग है उसको बुनने का, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इंटर कोऑपरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल को बढ़ावा देता था, एंड डिजाइन ऑफ वेविंग इन कॉटन, सिल्क, जड़ी एंड एम्ब्रॉयडरी एटसेट्रा। इंडिया है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन, इंडिया की जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन मानी जाती है स्पाइनिंग में, बट वेविंग सप्लाईज लो, लेकिन जो वेविंग है, जो बुनने की क्वालिटी है, वो लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक है, एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न, क्योंकि जो वेविंग है उसमें हम हाई क्वालिटी का यार्न इस्तेमाल नहीं करते हैं जो हमारे देश में प्रोड्यूस होता है। वेविंग इज डन बाई हैंडलूम, जो वेविंग है हमारे देश में हैंडलूम के द्वारा या पावर लूम के द्वारा, जो मशीन है मिल्स में उनके द्वारा किया जाता है। द हैंड स्पून खादी प्रोवाइडेड लार्ज स्केल एम्प्लॉय, जो हैंडलूम है खादी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो वेबर्स को इन देयर होम्स एज ए कॉटन इंडस्ट्री के तौर पे। यहाँ पर हम एक फिगर देखें तो हमें पता चलेगा महात्मा गांधी इम्फेसिस करते थे, जोर डालते थे स्पानिंग यान में खादी को, कपड़ों को वेविंग करने के लिए, बुनने के लिए, खादी के लिए ज्यादा वो क्या कहते फोर्स करते थे। जो फैब्रिक जो प्रोडक्शन था उसका जो वेरियस सेक्टर में हुआ, हम देख रहे हैं शेयर ऑफ प्रोडक्शन और लूमेज जो है 1.33 लाख था और पावर लूम में 14 लाख। इस तरह से हमने देखा व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अवर कंट्री, हमारे देश के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंड लूम। जो मिल सेक्टर लूमेज है उसको लोअर देन पावर लूम और हैंड लूम से क्या है, नीचे रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, ये खास बात कह रहा है कि इंडिया क्या करता है, जो यार्न बनता है ऊन का धागा वो जापान को एक्सपोर्ट करता है, और अदर इम्पोर्टर कॉटन के, कॉटन गुड्स के इंडिया से, वो है यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज है। अरे मम्मी उल्ला छना, इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इफिडेंस इन वर्क नेक्स्ट टू चाइना। जो इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्पिनलेस इन वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना एट अराउंड 34 मिलियन। अगर हम बात करें 2003 में इतना था इसका। सिंस द मिड 80s में द स्पिनिंग सेक्टर्स हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, उन्होंने कई ज़्यादा अटेंशन क्रिएट किया। वी हैव अ लार्ज शेयर, अगर हम भारत की बात करें हमारा एक लार्ज शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, अगर हम विश्व व्यापार को देखें हमारा एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड से हमने ये देखा कि यहाँ जो कॉटन प्रोडक्शन था वो अच्छी क्वालिटी का था, डिमांड उसकी ज़्यादा थी, लेकिन जो इंग्लैंड में मिल्स थी, क्लोथ मिलें और यहाँ पर हैंडलूम प्रोडक्शन होता था, तो इंडियंस के जो हैंडलूम्स थे वो उन मिल, जो मिल में क्लोथ बनते थे उनका कम्पीट नहीं कर पाए उनसे। कॉटन यान अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड, हाउएवर आवर ट्रेड इन गारमेंट्स, हालांकि जो हमारा व्यापार है गारमेंट्स में ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड टोटल, पूरे वर्ल्ड का 4% है। अवर स्पाइनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिव एंड ग्लोबल, जो हमारी स्पाइनिंग मिल है आर कम्पिटिटिव, वो काफ़ी कम्पिटिटिव हैं ग्लोबल लेवल में, एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर, और कैपेबल हैं वो सभी फाइबर का इस्तेमाल करने के लिए जो हम प्रोड्यूस करते हैं। जो वेविंग करना है, बुनना है, निटिंग है और प्रोसेसिंग यूनिट है, कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यान, लेकिन हम हाई क्वालिटी यान को प्रोड्यूस यूज नहीं करते हैं तो जो हमारे देश में प्रोड्यूस होता है। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्री, हमारे देश में कुछ बहुत बड़ी और मॉडर्न फैक्ट्रियाँ हैं इन दिस सेगमेंट में, बस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द फ्रेगमेंटेड, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट, लोअर दर्जे में ही होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ये वाला काम नहीं किया जाता है। वी स्कैटर द लोकल मार्केट, दिस मिसमैच इज ए मेजर ड्रॉबैक, ये मिसमैच होना ही एक मेजर ड्रॉबैक है हमारी इंडिया कॉटन इंडस्ट्रीज का। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यान, हमारे जो बहुत सारे स्पिनर्स हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं कॉटन यान का,
वाइल गारमेंट्स मैन्युफैक्चर हैव टू इम्पोर्ट, जबकि जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो इसी फैब्रिक को फिर वो इम्पोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से। हम ये देखते हैं कि यार्न इज सोल्ड, जो यार्न है वो 85 रुपी पर केजी बेचा जाता है। इफ इट इज सोल्ड एज ए ट्राउजर, यदि इसका पैंट बनाए हम सोल्ड एज ए ट्राउजर, इट फैच रेस 800 पर केजी। 800 पर केजी कहाँ से हम फैच करेंगे, उसे लाएंगे, इस फैच 800 रुपी पर केजी। वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज, हर स्टेज में वैल्यू ऐड की जाती है, फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट। फाइबर से यार्न बनाना या फाइबर से यार्न बना के गारमेंट बनाना, ये दोनों थोड़ा अलग अलग चीजें हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर टू इम्प्रूव वीविंग सेक्टर, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, टू इम्प्रूव वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करना, इसके बजाय कि हम यार्न को लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इफ यू आर इम्पोर्टिंग दीज यार्न टू फॉरेन कंट्री इन ए लार्ज वे, इट इज नॉट सो गुड इन कंपेरिजन टू एक्सपोर्टिंग दीज यार्न टू अदर कंट्री। वी शुड इम्प्रूव द वेविंग सेक्टर्स को हमें क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। इसके पीछे रीजन्स क्या है, वी विल स्टडी।